मुझे ये पूछना था, कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ एक चीज हुई कि मतलब मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं एकदम से पहला दिन मैंने वेस्ट कर दिया कि ये ऐसे ऐसे करूंगी, पूरा स्केड्यूल बना लिया कि ये करूंगी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये मैं गुरुद्वारे गई, वहां कुछ टाइम बैठी, फिर उसके बाद आई, सब कुछ हो गया। अब ये है कि अगर उस समय पे मैं ये पास में गुरुद्वारा नहीं होता सपोज, और मैं नहीं गई होती, नहीं तो फिर उस समय क्या होता? एक मिनट चुप रहो, घर में है ना गुरुद्वारा आपके? देखो गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो पीसफुल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप कनेक्ट करते हो गुरुद्वारे से। हो सकता है कोई और मस्जिद से करता है, कोई और मंदिर से करता है, तो जहां पर भी जा करके आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। बहुत सारे लोग मेरा सेशन इसीलिए देखते हैं, मुझे कई लोगों के कमेंट्स मिलते हैं कि सर जब रात को नींद नहीं आती ना आपकी वीडियो लगा लेते हैं, तो नींद आए तो मेरे ना मेरी वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मतलब मैं लोरी सुना रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, अलग अलग तरह से लोग वीडियो यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां पर जब आप जाते हो तो माइंड आपका बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। जब माइंड पीसफुल हो जाता है तो दैट इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन, उससे बढ़िया और कोई स्टेट नहीं, क्योंकि उसके बाद खुद ही आपको अंदर से समझ आने लग जाता है कि मेरे सही क्या है, गलत क्या है, और आप लाइफ में सही ट्रैक पे आगे बढ़ने लग जाते हो।